हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडिस्ता। और मैं हूँ प्रियंका और मैं इन नवरात्रों के सीज़न में आपके लिए लेके आई हूँ जो इंस्टेंट रेसिपी है। इसको सामक की खिचड़ी बोलते हैं, पंजाबी में हम इसको सुवांक के चावल बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। और सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने एक चम्मच घी लिया और इसके साथ ही मैंने एक चम्मच जीरा ले लिया। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका घी जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं, और नहीं तो आपका जीरा सड़ सकता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा ये मतलब आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, और मैंने इसको इस पर ही नेचुरल वॉइस में ही रखा है। और फिर मैंने इसके अंदर दो टमाटर डाले थे और दो ग्रीन चिलीज़ डाली थी जिससे थोड़ा स्पाइसीनेस आए। और फिर मैंने इसको जैसे हम रेगुलर इसको सॉटे करते हैं मसाला पकाने के लिए, वही मैंने शुरू किया। और मतलब इसको मैं हमें कुक करना है जब तक मतलब ये सॉफ्ट और पूरा अच्छे से हो ना जाए। जैसे मैंने आपको पिछली रेसिपी में भी बताया था कि जैसे इसका पूरा पानी वगैरह सूख जाए, और देखिए जैसे इसमें अब घी आना शुरू हो गया है, तो यानी हमारे टमाटर जो हमने डाला था वो पक गए हैं। तो उसके साथ फिर मैंने इसके अंदर ये हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी ली थी, और फिर मैंने सबसे पहले हल्दी डाली है इसके अंदर। और इसको इसके अंदर फिर मैंने एक्चुअली आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन चिली यूज़ किया, तो इसलिए मैंने 1/4 आप बोल सकते हैं रेड चिली पाउडर लिया है। और अगर आप ग्रीन चिली खाना आपको नहीं पसंद तो फिर आप रेड चिली थोड़ी और ऐड कर सकते हैं, तो मेरे को अच्छी लगती है तो मैंने इसलिए ग्रीन चिली डाली है। तो आप जैसे देख रहे हैं मेरा मसाला जो है वो पक गया है, तो अब मैंने इसके अंदर कोरिएंडर डाला है। और मतलब मैं मेरे को कोरिएंडर ना एक्चुअली कई लोग होते हैं जैसे गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट हमारे घर में एक्चुअली हमें टेस्ट ही वैसा अच्छा लगता है कि मसाले के अंदर ही कोरिएंडर पहले डाल लो और उसको अच्छे से वो फ्लेवर भी देता है और एक्चुअली सब्जी की रंगत भी अच्छी आती है जिसको बोलते हैं। तो फिर अब मेरा देखिए आप यहाँ पे पूरा मसाला प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो मैंने इसको करीब 1-2 मिनट तक और सॉटे किया बस कि अच्छे से जो कोरिएंडर है वो भी थोड़ा हल्का सा क्रंच ना रहे उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने ये डाइस किए हुए थे आलू हैं, और मैंने इसमें 2 आलू लिए थे और फिर मैंने इसको डाइस आलू इसके अंदर डाल दिए। मतलब जैसे हम एक नॉर्मल आलू की जैसे सब्जी बोल सकते हो, पहले मैंने इसको ऐसे पकाया। और अगर आप मतलब और शॉर्टकट आपको चाहिए तो फिर आप मतलब जैसे बॉईल कर सकते हैं आलू को पहले, और आपने जैसे उसको बॉईल किया ऐसे ही डाइस में उसको काट के तो आप डाल सकते हैं, वो और जल्दी बन जाएगा। बट जैसे मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ कि अभी आलू अलग से उबालो फिर उसको करो, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, तो मैंने इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट रखा। तो फिर अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया, और जैसे नॉर्मल आलू की सब्ज़ी जैसे बनाते हैं, अभी तक आपको दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल वैसे ही लग रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा हाईफाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि व्रत जैसे नवरात्र के व्रत रखते हैं तो मतलब डेली आलू आलू खाना थोड़ा अजीब वो हो जाता है कि मतलब खाया ही नहीं जाता है, तो इसलिए हर दिन कुछ अलग बना के खाओ वो अच्छा रहता है। तो बैक टू रेसिपी, तो मैंने इसमें करीब छोटा गिलास था मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था क्योंकि ये जल्दी कुक होने के लिए। और इसको फिर मैं अब क्या करूँगी कि इसको ऊपर लिड लगा दूँगी, इसको आप प्लेट से भी ढक सकते हो, मेरे पास लिड नहीं था इसके साइज़ का। तो फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्लेट रखी और जैसे वो भाप बनेगी। और आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि जो आपकी फ्लेम है उसको आपको लो कर देना है जिससे भाप जल्दी बने और थोड़ा वैसे होता रहे। और देखिए जैसे विद इन मतलब मेरे को 10 मिनट लगे होंगे मेरे आलू अच्छे से इसमें मतलब पक गए थे, तो इसको आप यहाँ टेस्ट करके देख सकते हो, नहीं तो आप अपने जो ये क्या बोलते हैं इसको जो भी होती है ये कड़छी होती है जो भी है, तो इसको मैंने इससे मतलब वो चेक कर लिया था। बट यहाँ पे फिर ये लास्ट प्रोसीजर है, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि मैंने इसमें देखिए दोबारा पानी डाला है, तो अब मेरे को अपने जो मेरे चावल हैं जिसको सामक के चावल बोलते हैं, और मैंने इसमें एक्चुअली 1 कटोरी सामक के चावल लिए थे, और
देखिए मतलब पानी ना एक्चुअली इसको सामक के चावलों को पकाना इजी है, मतलब जैसे वो होता है ना कि नॉर्मल राइस में क्या होता है कि आपको एक एक दाना अलग अलग हो तो फिर ही अच्छा लगता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी खिचड़ी बना रहे हो तो उसमें तो पानी का कोई सीन ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें पहले एक गिलास पानी प्रोविज़न के लिए रखा था कि चलो अगर बाद में मुझे लगे तो मैं एक्स्ट्रा और डाल सकती हूँ, बट मेरे को एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें ज़्यादा। मैंने एक गिलास डाला था और फिर मैंने उसमें राइस अपने जो थे वो डाल दिए। राइस को मैंने अलग से पहले धो लिए थे और फिर उसके बाद मतलब मैंने इसको 10 मिनट के लिए ना अलग से वो भी कर दिए थे, तो फिर बाद में मेरे को थोड़ा लगा कि जैसे मेरे चावल थोड़े वो थे ना चावल बन रहे हैं, तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा खिचड़ी टाइप चाहिए था, तो फिर मैंने इसको आधा गिलास पानी और डाल दिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि इसमें खिचड़ी में तो वैसे ही मैंने बोला ना कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालें। तो ऑलमोस्ट देखिए मेरी खिचड़ी बनके तैयार है, बस एक हल्का सा अच्छे से इसमें बॉईल आ जाए और फिर ये रेडी हो जाएगी। जैसे देख रहे हैं आप ऑलमोस्ट मेरी खिचड़ी तो बनके रेडी है और ये खाने में इतनी टेस्टी थी ना, मतलब नवरात्रों में अगर आप पूरा सात, जैसे मैंने पूरे इस बार 7 व्रत रखे हैं तो फिर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि एक ही चीज़ बार बार खाओ, तो थोड़ा इनोवेटिव करके खाओ ना तो मज़ा भी आता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने जिन्होंने फास्ट रखा है उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।